हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, बालों का टेक्सचर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, स्किन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा डल हो रही है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है स्किन पे, हेयर पे। और सब कुछ ट्राई कर लिया, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ट्राई कर चुके हो आप, सारे DIY जो पैक्स होते हैं सब कुछ ट्राई कर लिया, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हमेशा ऐसे केसेस पे हम अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स को ब्लेम करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ब्लेम करते हैं कि मैं अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, शैम्पू अच्छे यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ों पे को हम ब्लेम करते हैं। पर हमेशा इन प्रोडक्ट्स पर ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके घर जो वाटर आता है वही ख़राब हो। हाँ, टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। आज बात करने वाले हैं कि जो हार्ड वाटर होता है, मतलब जो खारा पानी होता है, उससे हमारे हेयर पे, हमारे स्किन पे क्या क्या डैमेज हो जाते हैं और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर प्लेसेस पे जो पानी है वो हार्ड वाटर होता है, खारा पानी आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेयर स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा हाई मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिससे कि जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और हमारे बालों को डैमेज करता है। आपने देखा होगा कि घर के जो पाइप्स होते हैं, टैप होते हैं, उसमें वाइट वाइट कुछ जमा हो जाता है, वही कैल्शियम जमा हो जाता है। अगर आपके घर पर भी ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए कि आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है और इसी से आपके बालों को और स्किन को डैमेज हो रहा है। हार्ड वाटर होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो स्कैल्प है, जो हमारी स्किन है, उसके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा कि कई बार ये क्या होता है कि जो हम कपड़े वॉश करते हैं उनमें वाइट स्टेन नज़र आता है, या फिर बर्तन धोने के बाद आप पानी छोड़ देंगे तो उनमें वाइट वाइट नज़र आने लगता है। जिनके अभी ये प्रॉब्लम है हार्ड वाटर की, उनके ऐसे होता होगा। तो मतलब जब ये हर चीज़ पर स्टेन छोड़ देते हैं, एक लेयर जमा कर देते हैं, ऐसे हमारे स्किन पर, हमारे हेयर का जो स्कैल्प है उस पर भी एक लेयर बना लेते हैं और स्किन को, स्कैल्प को ब्लॉक कर देते हैं, पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है। आप कोई भी अच्छे से अच्छा क्रीम यूज़ कर लीजिए, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए, आप ऑयल यूज़ कर लीजिए, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे करते करते ये हमारे बालों को डैमेज कर देता है, हमारे स्किन को डैमेज कर देता है। वाटर हेयर को पतला करता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ा देता है, आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको भी फेड कर देता है, बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी नज़र आते हैं, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है। हार्ड वाटर स्किन को भी डैमेज करता है, जैसे कि स्किन को ड्राई बनाता है, स्किन पे भी बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस हार्ड वाटर से हो सकते हैं। हार्ड वाटर से होने वाला जो डैमेज है ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी, आप इसको ठीक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि आप टैप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के टैप फिल्टर्स हैं जो कि अफोर्डेबल भी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, शार फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अब हम पानी पीने के लिए तो RO का यूज़ करते ही हैं, आप चाहें तो अपना फेस वॉश या फिर हेयर वॉश करने के लिए RO का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आजकल मार्केट में बहुत सारे हार्ड वाटर डिफेंस शैम्पू अवेलेबल हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जिस शैम्पू को मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो है वाओ का हार्ड वाटर डिफेंस शैम्पू, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके घर पे भी ये प्रॉब्लम है हार्ड वाटर का तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए, इससे जो भी आपके बाल रफ हो गए हैं, ड्राई फ्रिजी हो गए हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप यूज़ कर सकते हैं एप्पल साइडर विनीगर, जी हाँ, आप अपने वाटर में एप्पल साइडर विनीगर मिक्स कर लीजिए। एप्पल साइडर विनीगर जो होता है वो pH लेवल को मेंटेन करता है, जो नॉर्मल वाटर होता है उसका pH लेवल होता है 7 और जबकि जो हार्ड वाटर है उसका pH लेवल होता है 8.5 से above। तो ये जो विनीगर है ये नेचर में एसिडिक होता है, तो आप विनीगर या फिर लेमन यूज़ कर सकते हैं pH लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो ये भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं बताने वाली हूँ हार्ड वाटर के लिए, वो बहुत पुराने टाइम से हमारे घरों में यूज़ हो रहा है, जो है एलम। एलम मतलब फिटकरी, बहुत पुराने टाइम से ही पानी को प्योरीफाई करने के लिए पानी में एलम मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी सारी गंदगी है वो नीचे आ जाती है और पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है। साथ ही आप स्किन के लिए बाथ सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं और आप
एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो भी हार्ड वाटर से डैमेज है उनसे बचा जा सकता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके हेयर डैमेज और स्किन डैमेज का कारण हार्ड वाटर है, तो आप इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कीजिए। होप आज का ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।